नमस्ते, मैं हूं सुरेश शेट्टी। आज मैं बना रहा हूं होममेड टोमेटो सूप, एकदम फ्रेश। मैंने टोमेटो ऑलरेडी सेलेक्ट किया है। ये क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। बोलो भाई, इसको ये ले निकल देता हूँ, थोड़ा इसका जो स्टेम है वो थोड़ा निकाल देता हूँ, देख लीजिए। और इसको थोड़ा ऐसा स्किन, ये क्यों होता है आपको बताता हूँ, देख लीजिए। अभी जो पानी है एकदम भी बॉयल हो रहे हैं, देख लीजिए। ओके, तो इसको ब्लांच कर लेते हैं ज़्यादा। ब्लांच करना मीन्स इसका छिलका निकालना है हमने, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। तो अब इसको छिलका हम लोग निकाल देंगे, देख लीजिए। अब तो टोमेटो ब्लांच मैंने कर दिया, आगे का मैं क्यों बताऊँ। अब मैंने टोमेटो को पील करके रखा हूँ, थोड़ा ऑलिव ऑयल डाल देता हूँ, गैस फ्लेम चालू कर देता हूँ। अभी अभी हमें क्या करना है, मैं गार्लिक डाल देता हूँ। करेंगे गार्लिक में से ऑनियन, ये सॉटे हो गया, थोड़ा साइड में रख देता हूँ, जल्दी डाल दिया मैंने। अब मैं गार्लिक ऑनियन तो सॉटे करके रख दिया हूँ, काट दिया। मैं बस ये रफली हो गया, बस टोमेटोस सॉटे पैन में डाल देता हूँ मैं, सारा टोमेटो और पूरा टोमेटो उसमें डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा गैस में रख देता हूँ, तीन मिनट सॉटे था टोमेटो, कैसा सॉटे कर रहा हूँ मैं आप देख लीजिए। मेरा थोड़ा बेसिल भी वापस है, डाल देता हूँ, थोड़ा बेसिल भी अच्छा लगता है सॉस के अंदर, थोड़ा डाल देंगे। सर फ्लेम थोड़ा अभी चालू करते हैं, देख लीजिए ये सॉटे कर रहा हूँ मैं, देख लीजिए कैसा हो गया। ये सब पूरा ये जो टोमेटो है इसको मैं फूड प्रोसेसर या ब्लेंडर के अंदर पेस्ट करने के लिए ना प्यूरी करने के लिए डाल दूंगा। तो मैं अपना मिक्सर रेडी रखता हूँ, ये ऑलमोस्ट हो गया। बस हल्का सा मैं थोड़ा पानी भी ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर कुक करने के लिए। बस अब तो मैंने इसको ग्राइंड भी मेरा हो गया, मीन्स ग्राइंड भी मैंने कर लिया अभी, और स्ट्रेन भी कर दिया, इसको छानना भी है, छान लिया मैंने। आप देख लीजिए ये टेक्सचर कैसा आया, क्यों मालूम है इसका टोमेटो का जो क्वालिटी है वो एकदम लाल लाल टोमेटो एकदम अच्छा लगता है। अभी मैं थोड़ा सीजनिंग, हल्का सा सॉल्ट, अगर इसको सॉल्ट नहीं जमता नहीं भी डाल सकते हैं। ओके, अभी ये क्रश पेपर, रोस्टेड ब्लैक क्रश पेपर, इसको थोड़ा हल्का सा डाल देता हूँ, बस इसका अच्छा रहता है। मैं शुगर का बात कर रहा हूँ, अगर शुगर भी डाल सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, अगर मैं हल्का सा शुगर डाल देता हूँ इसके अंदर, वैसा भी ये खट्टापन तो है नहीं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ टोमेटो है ना ये बहुत अच्छा है। हल्का सा मैं सॉल्ट डाल देता हूँ, वेरी गुड, हॉट सूप रेडी हो गया। ये बोतल में डाल देता हूँ, एक्चुअली जो सूप है इसको अपने गर्म ही कर, एकदम गर्म गर्म है मज़ा आता है। इसी तरह बेसिल डाल देता हूँ, बेसिल पता था काट दिया था, मतलब जो सूप के अंदर था वो सब सूप के लिए इस्तेमाल किया है, डाल देता हूँ। अपना गार्लिक ब्रेड विद टोमेटो सूप, एकदम एकदम सुपर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ब्रेड भी है और सूप भी है, रेडी हो गया सब पूरा एकदम, टोमेटो सूप होम मेड तैयार हो गया। आपने देख लिया, गार्लिक ब्रेड भी मैंने तैयार कर दिया। और आप लोग बताइए, आप ये जो मैंने काम किया है टोमेटो सूप को कैसा लगा, फीडबैक आपका जो भी
एक्सपीरियंस है मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं. थैंक यू. बी सेफ, टेक केयर, बी फिट एंड हेल्दी. अगेन थैंक यू. सुरेश हियर. नमस्ते.